काफी यहाँ पर खड़े होकर भी मैंने बोला है कुछ हमारी तकलीफें हो रही है, फरवरी से कहीं से फंड नहीं आ रहा, वो मतलब लेट होता जा रहा है, डिले होता जा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा क्यों। तो आखिरी में एक हमारी जो डॉक्यूमेंट्स है एक ऑफिसर के पास चला गया और वो ऑफिसर ने कहा कि इसमें ये चीज की कमी है, ये ठीक करो फिर मेरे पास दो। तो मेरा दिल बहुत टूटा। तो मैं वो ऑफिसर से मैंने कहा सर देखो ऑलरेडी हम फरवरी से अभी 6 महीना इंतजार कर रहे हैं और इंतजार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो मैं क्या करूँ। उस ऑफिसर ने कहा नहीं बिल्कुल हमारे पास टाइम नहीं है, अभी ऑडिटिंग चल रहा है क्योंकि September 30th लास्ट होते हैं इनकम टैक्स का रिटर्न्स करना। तो बिल्कुल एक मिनट, उन्होंने ऑफिसर का ये वर्ड है, एक मिनट भी नहीं है मेरे पास, आप October 1st week में मैं आपका डॉक्यूमेंट देखूंगा और सही करूँगा। तो इसका मतलब 10-15 दिन। तो मेरे लिए तो 1 घंटा में उनको ऑफिसर जो मेरे को मांग रहे हैं वो कह रहे हैं 1 घंटा में चाहिए और ये कह रहे हैं 15 दिन बाद हमसे बात करना, मेरे पास बात करने का भी टाइम नहीं है। उसने छठी सर भी मेरे साथ ही बैठे थे, मेरे को तो बहुत रोना आ रहा था, मैंने कहा यहाँ 1 घंटा टाइम दे रहे हैं, यहाँ 15 दिन बोल रहे, मैं क्या करूँ। फिर मैंने प्रेयर किया, गॉड आप चाहें तो सब कुछ पॉसिबल, हमारे यीशु मसीह का सब कुछ पॉसिबल है, जो इंसान आपको मना करता है ना उसके मन में भी गॉड ऐसा कर देंगे आपको। फिर 5 ये प्रेयर ही किया मैंने, गॉड आपसे एवरीथिंग पॉसिबल मैं आपके ऊपर छोड़ रही। बहुत बार ना प्रॉब्लम्स को पकड़ लेते हैं हम, सोचते हैं हम ठीक करेंगे बट नहीं, हम जब यीशु मसीह के ऊपर अपनी प्रॉब्लम छोड़ देते हैं वो हल भी करते हैं। तो क्या हुआ, वो जो ऑफिसर जिसने मुझे कहा 1 मिनट नहीं है, वो फोन खुद किया मुझे, मैडम आपका काम हो गया, एक जोरदार ताली बजाइए। जो इंसान आपको मना करता है उसका दिल में भी यीशु मसीह डायरेक्ट बात करके, जो उसने 15 दिन बोला उसने 5 मिनट में काम कर मुझे मैसेज कर दिया और मैंने जिस ऑफिसर को 1 घंटे में दे रही हूँ बोला उसको दिया। तो परमेश्वर का बहुत बहुत महिमा हो। बहुत सारा इस हफ्ते मेरे साथ और भी बहुत हुआ, मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम ले लिया, दो बच्चे भी सर आकर चले गए।